बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, टुडे आई वांट टू शो यू माय वेरी सिंपल रेसिपी ट्राइफल। माय ट्राइफल इज रेडी एंड बिसाइड आई शो यू दिस वन इज दिस। आप भी ऐसा घर में बनाने की कोशिश करें, ये बहुत इजी है और दिस वन इज़ वेरी गुड फॉर पार्टी, फॉर डिनर, फॉर एनी गेट टू गेट पार्टी। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 स्मॉल कप शुगर, 4 कप्स मिल्क, सम स्ट्रॉबेरीज, कस्टर्ड। आई सिलेक्टेड दिस वन इज पाइन एप्पल, यू कैन बाई एनी टाइप ऑफ कस्टर्ड, एप्पल, पाइन, विच वन यू लाइक, एंड जेली। I got this one is a green jelly. I like green jelly. I will use, and for whipping I used whipped cream. तो चले start करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैंने milk add किया। First of all I added milk to making custard. Then sugar. Wait करूँगी दूध के boil होने का, and waiting for boiling the milk. Small spoon. I got custard powder, normal milk, and mix it well. और मैं इसको अच्छी तरह, ये देखें, मिक्स कर लिया है। और चले उधर देखते हैं, मेरा दूध जो बॉयल होना शुरू हो गया। Now my milk is started to boil. In this stage, I will add custard with milk, little. थोड़ा थोड़ा मैं इसमें शामिल करूँगी, एकदम नहीं इसको करना, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स इट वेल। और मैं उस वक्त तक बनाऊंगी जब तक ये थिक ना हो जाए, इसे पाऊंगी। कस्टर्ड लिया, इसके साथ जो मैं आपको दिखा दूँ फ्रूट्स यूज करूंगी, वो मैंने कॉकटेल कैन ये मैंने यूज किया है इसके लिए। इसमें है पियर्स, चेरी, पीच, पाइनएप्पल। अब मेरा कस्टर्ड जो है ये देखे थिक हो चुका है, मैंने इसको थोड़े टाइम देके इसको अच्छी तरह पकाया, अब ये थिक हो चुका। अब इतना हम लोगों ने रहने देना है क्योंकि ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। नाउ इन दिस स्टेज आई टर्न ऑफ ओवन एंड आई वेट अंटिल दिस गेट कोल्ड। नाउ माय एवरीथिंग इज रेडी। आई कट इन अ स्मॉल पीसेस दिस वन इज केक। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ये देखिए केक रखूँगी, 2 कलर केक, नाउ आई ऐड फ्रूट्स, मेक इट जूसी, नाउ माय कस्टर्ड इज रेडी। नाउ इज माय नेक्स्ट लेयर, जूस, एडिंग कस्टर्ड। नाउ इज माय नेक्स्ट इज अ स्ट्रॉबेरी, एंड बिटवीन, ओके, नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज दिस वन, आई पुट इनसाइड। आप भी ऐसा घर में बनाने की कोशिश करें, ये बहुत इजी है। दिस वन इज मेकिंग इज वेरी इजी डिजर्ट एंड लुकिंग सो ब्यूटीफुल। 2 तरीकों से मैंने इसे डेकोरेट किया है, एक पहले वाला तरीका, एक ये वाला तरीका है। आप इसको जो भी आपको अच्छा लगता है किसी तरीके से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू एंड। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से बड़े दिल से दुआ कबूल नहीं करता। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।